बुरे का फल। एक क्रूर राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए प्रजा हमेशा उसका अहित चाहती थी। प्रजा को लगता था कि राजा या तो मर जाए या फिर उससे उसका राज्य छिन जाए। वह किसी भी हाल में राजा से मुक्ति पाना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक लोगों ने देखा कि राजा में परिवर्तन आ गया। अब वह राजा प्रजा के हित की बातें सोचने लगा। उसमें आया परिवर्तन मंत्रियों और प्रजा ने भी अनुभव किया। आखिर एक बुजुर्ग मंत्री ने साहस बटोर कर राजा से इस परिवर्तन की वजह पूछी। राजा ने बताया, एक बार मैं जंगल में गया था तो मैंने वहां देखा कि एक लोमड़ी खरगोश को खा गई। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा लोमड़ी पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और उसके पैर में काट खाया। कुत्ता जब गांव में लौटा तो वह एक आदमी पर भौंका। उस आदमी ने पत्थर को उठाकर कुत्ते को मारा। कुत्ते का पैर जख्मी हुआ। आदमी आगे चला तो रास्ते में खड़े एक घोड़े ने उस पर दुलत्ती झाड़ दी। वह जमीन पर गिर गया। उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई। वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। घोड़ा जब दौड़ने लगा तो वह एक खड्डे में जा गिरा और उसकी टांग भी टूट गई। यह सब देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि बुरा काम करो तो उसका फल बुरा ही मिलता है। मैंने अब तक सिर्फ बुरा ही किया। अब पता चलने के बाद भी अगर मैं बुरा बर्ताव करता रहूं तो मुझे उसका फल भी बुरा मिलेगा। मेरे इस ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी और मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी पर कोई अत्याचार नहीं करूँगा, अपनी प्रजा की पूरी देखभाल करूँगा। शिक्षा: मनुष्य को किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का फल बुरा होता है।